जयपुर जिले के चितलवाड़ा पंचायत समिति के गोमी ग्राम पंचायत को लेकर दो दिन पहले हुए विरोध प्रदर्शन के विरोध में आज गोमी गांव के लोग और भी ग्राम पंचायत के संबंधी या साचौर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और अभी ये ज्ञापन देंगे। पहले कुछ समय पहले इन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था मेरे साथ। अभी जो धरना प्रदर्शन करने के लिए लोग आए, जो ज्ञापन देने के लिए लोग आए, उनसे वार्तालाप करने के लिए मैं मौजूद हूँ। सर, किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था? पहले ग्राम सेवक पर आरोप लगाए जा रहे थे और अब आप ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। सरपंच अपने निजी स्वार्थ के लिए ग्राम सेवक पे गलत दबाव बना रही थी। पहले जब चुनाव हुए तो उन्होंने अपने निजी खर्चे से एक कोई पाइपलाइन लगाई और ग्राम पंचायत की अपने समाज की 50 बैठकों में कहा कि ये मैंने मेरे निजी बाबा से बन के ये पाइपलाइन लगाई है। अब वो ग्राम सेवक को प्रेशर ये कर रही है कि इसको ग्राम पंचायत में स्वीकृति करवा के 12-15 लाख रुपया का हमें भुगतान करो। मुख्य मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि गोमी मुख्यालय पे पंचायत के चारों तरफ गोचर की जमीन आई हुई है। गोचर की जमीन में है वो सरपंच के जाति बंधुओं के 50 लाख रुपयों के मकान बने हुए हैं। एक चोट के 50 मकान बने हुए हैं। हाईकोर्ट ने उनको हटाने का आदेश भी किया हुआ है। सरपंच ये कह रही है कि इनकी NOC जारी करो, इनके पट्टे जारी करो और विद्युत कनेक्शन के कार्य करो। इसके सिवाय उन्होंने पहले सहमति बना के कई काम कार्य करवा लिए, कार्य करवा के ग्राम सेवकों का ठेकेदारों का ट्रांसपोर्टेशन का भुगतान भी रोक लिया और वो भुगतान रोकने की एवज में वो ये कह रही है कि पहले इस पाइपलाइन को रेगुलर करो, इसका भुगतान करो और ये जो अवैध मकान है इनका सब नियमन करो, नियमन के बाद तुम्हारे भुगतान होंगे और नहीं तो मैं तेरे खिलाफ कार्रवाई करूंगी, शिकायत करूंगी। तो फिर उसने झूठी एक ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ पहले 107 की कार्रवाई कराई। ग्राम विकास अधिकारी ने राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए सरपंच पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया तो उस मुकदमे से बचाव के लिए सरपंच ने 107 की कार्रवाई के बाद दोबारा 384 मुकदमा करवाया और ऐसा करके इस तरीके का राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए फिर अपनी राजनीतिक बैठक के साथ। सर, जब एक सरपंच ग्राम सेवक के ऊपर ऐसे आरोप लगाएंगे, गांव के विकास में आड़े आएंगे, अड़चने डालेंगे तो फिर गांव का विकास किस तरह से होगा? गांव का विकास होगा भी नहीं। गांव का विकास पिछले 2 महीने से बंद पड़ा है। सरपंच ने ग्राम पंचायत मुख्यालय पे ताला लगवा दिया है। गांव के वार्ड पंच 3 बार मीटिंग कर चुके हैं तो वो साइड में खंडर पड़े हैं। राजीव गांधी केंद्र में है, वो बैठक कर रहे हैं ग्राम सेवक वार्ड पंचों के और ग्रामीणों के। 10 बार कहने के उपरांत भी वो ताला नहीं खोल रही है और ताला बंद होने से 2 महीने से गांव का विकास बंद है। इसी का ही मुकदमा ग्राम सरपंच पुत्र के खिलाफ। सरपंच प्रतिनिधि सरपंच महिला ने ये भी आरोप लगाया कि उस महिला जो ग्राम सेवक है उसने मेरे पुत्र को मारने की धमकी दी है और मुझे वो भी भैंस सता रहा है। उसकी जांच करवा ले पुलिस और अगर उसमें ग्राम विकास अधिकारी दोषी है तो कार्रवाई करे। लेकिन वो मात्र बहाना है अपने बचाव का। उसको पता था कि मैंने ताला लगा रखा है ग्राम पंचायत के, वो ताला खुलवाने का ये मुकदमा दर्ज करवाएगी, राजकार्य में बाधा पैदा कर रहा है मेरा पुत्र, इसलिए पहले तो उसने 107 की कार्रवाई कराई बचाव के लिए। जब मजबूरन ग्राम विकास अधिकारी ने FIR दर्ज करवा दी तो वापस दोबारा सरपंच ने FIR दर्ज करवाई है ग्राम विकास अधिकारी। बड़े स्तर का विरोध प्रदर्शन भी किया गया, फिर ग्राम सेवक को APO भी कर दिया गया। कहीं ना कहीं एक सरकारी कर्मचारी के साथ ये व्यवहार गलत नहीं हुआ? इलेक्शन का माहौल है, सरपंच है BJP विचारधारा से जुड़ी हुई है। अब इलेक्शन विधानसभा चुनाव आने के मद्देनजर पूरी विधानसभा की BJP ML पूर्व MLA भावी MLA MP वगैरह सारे इकट्ठे होके है वो सरपंच के पक्ष में लोहमंद इसलिए हो गए कि वो तो अपने वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हुए, जबकि सरपंच को अपनी गलत बात शो करने का कलेक्टर चुनाव के समय जब अधिकारियों को कर्मचारियों को सरकारियों को ऐसे टंटोड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र डिस्टर्ब होगा। पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। कलेक्टर साहब ने पहले विकास अधिकारी ने APO किया था गोमी से चितलवाड़ा पंचायत समिति में, फिर कलेक्टर साहब इन राजनेताओं के प्रेशर में APO कर रही है भाई बागोड़ा जो पंचायत समिति छोड़ के, जबकि ऐसा कोई अपराध नहीं, किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन वो राजनेताओं के प्रेशर में किया। किस तरह से विवाद उपजा और आज आप बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे भी हैं, समर्थन में ज्ञापन भी दे रहे हैं, क्या पूरा हुआ? मैं ग्राम पंचायत गोमी वार्ड 8 का प्रतिनिधि हूँ। ये आपसी मामला ग्राम सेवक सरपंच दोनों के बीच में हुआ तो हमें भी सूचना मिली तो हमने 2-3 बार सरपंच को पंचायत मुख्यालय पर आने को अवगत करवाया। मैंने खुद एंड टू एंड बात की,
लेकिन सरपंच के पुत्र भरती ने मेरे साथ में बात करते हुए कहा कि अगर आप गोमी आए हो, अगर ग्राम सेवक आती है तो मैं कदापि पंचायत मुख्यालय पर नहीं आता। मैंने कहा पंचायत के 2 महीने से लोक लगा है, आप अपनी आपसी विवादी में कुछ भी कार्य करो, आप बातचीत कर लो, समझौता करो या समझाइश करो, लेकिन ये पंचायत लोक मुक्त होनी चाहिए क्योंकि ये एक हमारी जनता का ये मुख्यालय कार्यालय। तो उन्होंने इसके ऊपर कोई डिसीजन लिया नहीं, लिया डिसीजन नहीं लेते हुए उन्होंने जिला मुख्यालय पर है, ये बात तो हमारी पंचायत की थी, पंचायत में ही जो मीटिंग बुला के वहां भी सुलझानी थी ये सुलझ जाती, लेकिन इन्होंने राजनीतिक तुल देते हुए ये जिला कलेक्टर के आगे आगे जिला कलेक्टर के आगे इन्होंने जो राजनेता को सबको इकट्ठा कर राजस्थान और गुजरात दोनों जो हमारे राज्य है उनसे लोग बुलाकर हमारी जो समाज को टारगेट किया और एक इस हमारी ये अबला जो बेटी है जो बिमला इनको टारगेट किया, इनके ऊपर लांछन लगाया, हमें इस बात का खेद है। बाकी कार्य करे या न करे, हमारा काम हो या न हो, उससे हमारा कोई खेद नहीं है, लेकिन हमें खेद यह है कि इन्होंने आपसी रंजिश से चलते हुए ये इन्हें आरोप लगाया है कि विकास अधिकारी ने मेरे पुत्र को मारने की धमकी दी। ये एक छोटी बात नहीं है, इसलिए हम पंचायत को ये बात कभी नहीं सहन कर सकते, इसलिए हमने ये आज हमें कलेक्टर के आगे आना पड़ा, क्योंकि ये लांछन ये कलंक है ये हमारी पंचायत को लग रहा है। कल अगर इसी ने कहा या न कहा, थोड़ी बात के लिए अगर चली जाती है तो ये फिर कहेंगे कि ये झूठी थी और इसने मेरे पुत्र को मारने की धमकी दी, ये हमारे थोड़े कुछ करने से चली गई। इसलिए हमने पूरी पंचायत ने डिसीजन लिया है, हमारी जनता ने डिसीजन लिया, हमारा कोई राजनीतिक कारण इसमें नहीं है। पंचायत के 2 महीने से लोक है और ऊपर से ये कलंक हमारी पंचायत को आ रहा है, इसलिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। इस ज्ञापन में स्पष्टीकरण इनकी जांच होनी चाहिए, अगर विकास अधिकारी ने उनको मारने की धमकी दी है तो विकास अधिकारी की बिल्कुल जांच होकर इनके ऊपर जो भी सरकारी कार्य जो कर्म इनकी कार्रवाई वो होनी चाहिए और हमारी समाज की ओर से भी हम इनके ऊपर कुछ न कुछ करेंगे। अगर सरपंच इसमें दोषी है तो सरपंच को स्पष्टीकरण से समाज व राजनीतिक दोनों तरफ से इनको कुछ दंड मिलना चाहिए, ये हमारी राय है, इसलिए हम आज सब इकट्ठे हुए। भाई साहब बिल्कुल सही कहा है और साहब ने पहले भी कहा था कि इन्होंने को विवाद ये है कि इन्होंने चुनाव लड़ने से पहले एक लाइन डाली थी, वो हमारे घर तक आई हुई है और हमें पता है बिल्कुल वो लाइन इन्होंने भामाशाह करके डाली थी। हमने भी कहा था कि यह लाइन आप हमारे लाइन पे पहुंचा दो, इन्होंने कहा नहीं ये लाइन तो ये टांके तक जाएगी जो गवर्नमेंट का है वहां तक ही जाएगी, और अभी ये कह रहे हैं कि ये हमारे को स्वीकृत करके दो, यही विवाद चल रहा है। इसमें हम बिल्कुल सहमत नहीं है, कुछ भी विवाद लेकर के आप किसी के ऊपर ब्लैंक लगाते हो ये बहुत गलत है। मैं तो कहूँ इसकी जांच होनी चाहिए, जांच करवा लो ना, जांच नहीं करवा रहे और आप सीधा उसको टारगेट बना रहे हो कि इन्होंने हमारे को गाली दिया है, इन्होंने हमारे को बोला है कि हम आपको मार देंगे, अब जांच करवाओ ना। सांचौर जिले के चितलवाना पंचायत समिति के गोमी ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी के समर्थन में आज लोग बड़ी संख्या में सांचौर जिला मुख्यालय पर पहुंचे हैं, अभी कलेक्टर को ज्ञापन भी देंगे और उनको समर्थन के लिए न्याय के लिए गुहार भी लगा रहे हैं। ओम प्रकाश चौधरी, इंडिया न्यूज, सांचौर।